अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में बिलीव इन पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्टार्स से आपको मिलवाते रहते हैं, उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा नाम और मुकाम बनाया होता है, बल्कि अपने शोबे में रहते हुए बहुत काम किया होता है। उन्हीं स्टार में से आज एक ऐसा स्टार में ऐसा मौजूद है, जब भी हम पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब भी पाकिस्तान में क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो पर्सनली इस फील्ड से आगे होता है। मेरा भी बहुत पुराना तलक है, मैं या जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं फैशन इंडस्ट्री से ही उसको ही रिप्रेजेंट करता हूँ, और आज भी फैशन इंडस्ट्री की वजह से जो मेरी पहचान थी वो आज भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मिलते हैं, मिलने के बाद ऐसा असर छोड़ते हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं बाद में। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों के साथ है, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री उनके बगैर समझ लीजिए कि नामुकम्मल है। जब भी पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की और मेंस वेयर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक नाम ज़रूर सैर फहरिस्त होगा। मेरे दूसरे दोस्त भी ये मेरे बार बार कह रहा हूँ, वो नाराज़ ना हो जाए, लेकिन एक दोस्त ज़रूर ऐसा है जिसका मैं तारीफ कराऊंगा, बल्कि आज आपको ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में आपसे मिलवाऊंगा। जी हाँ, वो है वन एंड ओनली मिस्टर मुनीब नवाज। तो मुनीब नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंस वेयर का बहुत बड़ा नेम है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, 20 साल की स्ट्रगल है ये। उस वक्त का मुनीब काम कर रहे हैं जब शायद फैशन को कुछ लोग पाकिस्तान में अजीब और अयूब समझते थे। आज मुनीब से हमारी ये गुफ्तगू रहेगी ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में, आज में मेरे साथ हैं। उम्मीद है कि ये सफ़र आज बहुत ही हसीन होने वाला है, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव इंसान मेरे साथ है, तो मेरे साथ बंधे रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब, और वेलकम टू माई शो ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र। आज वाकई जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा मेरा याद, मेरे जिगर, जिसको ये नाज़रीन, ये मुनीब वो इंसान है जिनको देखते देखते हम लोग फैशन में आए, फैशन इंडस्ट्री में आए। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मुनीब ने मेरे साथ बहुत काम किया है पाकिस्तान फैशन वीक दुबई में, और मेरे शो में जब भी कराने की कोशिश की है मैंने, तो मुनीब ने नो डाउट बढ़ के काम किया उसमें। मुनीब भाई, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि आज मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि भी कहा है कि भी आप उन लोगों में से हैं जो फैशन इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लाने वाले और उसको एक रास्ता देने वाले और रास्ता खोलने वाले, डोर ओपन करने वालों में से है। थोड़ा सा बताइएगा, चूँकि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीयत तक, ठीक है, ये जर्नी के मुताबिक बताइए कि 22 साल की स्ट्रगल, 20 साल की स्ट्रगल, मुनीब आपकी एज को देखते हुए नहीं लगता कि मुनीब ने कहाँ से शुरू हुआ, बचपन कहाँ पर गुजरा, कैसे क्या पढ़ा, फिर इस फील्ड में आ गए। उस टाइम में जब लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था, जब लोग फैशन इंडस्ट्री को, फैशन डिजाइनर को दर्जी समझते थे, थोड़ा सा प्लीज डिफाइन कीजिए। यार बड़ा मुझे अच्छा लगा टू बी ऑन योर शो, और आपके 150 एपिसोड्स भी हो गए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और जैसे आपके शो का नाम है ना ख्वाबों से ताबीर तक, और आपने जो सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान की बात की अपनी इंट्रोडक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो कि हमारे मिनिस्टरों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, हर इंसान को, अगर 27 करोड़ आबादी इस काम पे लग जाए ना, तो हम लोगों का मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सो कंग्रेचुलेशन कि आप ये कर रहे हैं और आप एक राह सेट कर रहे हैं लोगों के लिए भी। एज़ फार एज़ माई वो इज़ कंसर्न, वो ये है कि मेरा एक्चुअली ये सफ़र अब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। मैं 16 साल का था जब से मैं यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 16 ईयर्स से, जब मैं 16 साल का था तब से मैंने डिसाइड कर लिया था करना यही है। अच्छा, तो अब वो डिसीजन तो ले ली, करना कराना कुछ आता नहीं था,
सो आज अब तकरीबन 25 साल हो रहे हैं काम करते करते इसी फील्ड में, कपड़े बनाते हुए ये वो। फिर मुझे एक दफ़ा मेरी भाभी ने बताया कि तुमने पहली एग्जीबिशन की थी जब तुम 11-12 साल के थे। मुझे ये याद भी नहीं था, तो मैंने पता नहीं कहाँ से शर्टें ली थी अब्बू के ऑफिस के बाहर रख के, उनके उनके दोस्तों को शायद बेची पूछी थी, मुझे काफ़ी नहीं याद, बट मुझे किसी ने बताया था कि यार कि शायद तुम्हारी कॉलिंग थी ही, एंड माइंड में किसी जगह पर था कुछ ऐसा कि कपड़ों का शौक था, कपड़ों का, और वो भी मेन्स वेयर का ही प्राइमरीली शौक था। फिर जब ये काम शाम शुरू किया तो मुश्किल था उस वक्त, ऑब्वियसली वो घर वाले भी कहते थे मेरा बेटा दर्जी बनेगा या इस तरह की बातें सुनने में शुरू शुरू में। फिर मैंने भी उसको इतना ओन किया कि हाँ जी, मैं भी लोगों को कह देता था कि यार हाँ जी दर्जी हैं। बल्कि मैं आपको बात बताऊं मुनीर भाई, उस वक्त तो डिजाइनर के साथ कोई एंगेजमेंट भी, कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ता था ऐसा, वो कहते थे ये दर्जी कहाँ से पालेगा। वो इस तरह की बातें बहुत सारी होती थी, बट आई थिंक आप इवेंचुअली ना जब आप लोग आपको जब देखते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा इस से ऑनेस्ट है, उसके अपने अपने आप के साथ, अपनी वाइफ के साथ आपको जब ऑनेस्टी आ जाती है ना, तो लोग सारे जुड़ जाते हैं। एंड वो कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो जब आप एक दफ़ा किसी सीढ़ी पर चढ़ जाते हो ना, पहली सीढ़ी आपने टाप ली, दूसरी सीढ़ी टाप ली, तीसरी सीढ़ी आपको लोग टपवाना शुरू कर देते हैं, जा जा जा, आठवीं तक पाकिस्तान वाले ले जाते हैं, नौवीं के ऊपर नहीं लेके जाते हैं। वो तीसरी से आठवीं तक आप रहो ना और उसी में सबर शुक्र पाल लो तो जान लो, वो ज्यादा बेहतर है। नौवीं की कोशिश करते हो ना तो कहते हैं वापस पहली पे आ जाओ। तो जनाब आपके माइंड में तब आ गया कि कुछ ऐसा करना है, बस फिर बस करना शुरू करते हैं, बस किसी से कुछ हेल्प मांगी, किसी से कुछ हेल्प मांगी, कुछ कपड़ा लिया तो हाँ, मतलब जो अच्छे कपड़े पहनते थे उनसे पूछ लिया, मतलब वो कहाँ से बनवा रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर मैं गल्फ में, कराची रहता था तो गल्फ जा गया। पहली दफ़ा मेरा एक वो जो स्टोरी है वो यही है कि यार मेरे पास 1000 रुपया था, 2000 रुपये थे या 1000 रुपया था मुझे याद भी नहीं, हाँ 1000 रुपया था, 250 रुपये के दो दो कपड़े लिए थे शर्टों के, और जाके एक टेलर से 250 रुपये की बनवाई थी। और वो दो शर्टों से मैंने खुद पहनी, दोस्तों ने कहा ये कहाँ से लिए, मैं गया खुद, उसने कहा कितने के, मैं गया 550 रुपये कमा लिए मैंने। और उसके बाद से आगे से आगे अल्लाह का शुक्र है चलते गए चलते गए, लगे रहे मतलब इट हैज़न बीन ईजी एट टाइम्स, दे बीन टफ टाइम्स, दे बीन टफ डेज, बट मुझे समहाउ ये यकीन रहता है कि ये टफ टाइम गुजर जाएगा। एंड अल्लाह ताला ने बहुत 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 करम किया है कि यार आज हम जहाँ पे बैठे हुए, अपनी जगह पे बैठे हुए, अपना सुकून में बैठे हुए, सेहत है, बच्चे हैं, बीवी है, खुश हैं, आप जैसे दोस्त बन गए हुए हैं, दुनिया भर में थोड़ा बहुत नाम कमा लिया, थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा नाम बना लिया, जो भी अल्लाह ताला ने जिस जो का बनाया है वो कर लें। अब मकसद ये है कि अब जिंदगी को उससे बड़ा भी देखना है ना, कि मतलब आपकी प्रोफेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आपकी जिंदगी की एक उम्मीद और जो ख्वाब होता है वो आपके, मैं सबको अब ये समझाना शुरू कर दिया कि अच्छा फिर आगे की करना है दैट सिचुएशन, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू आफ्टर द प्रोफेशन, बिकॉज यू कांट बी स्टक टू द प्रोफेशन। पीपल ओवर हेयर मुझे लगता ये है कि अपनी अपने काम की नौकरी करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी ड्रीम्स, बेसिकली अगर आप अपनी ड्रीम की भी नौकरी कर लो ना तो भी आपकी ड्रीम आपके ऊपर हावी हो जाती है। आपने ड्रीम के ऊपर हावी रहना है थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली, एंड दैट इज द स्ट्रगल ऑफ द ड्रीम, एंड दैट इज द स्ट्रगल ऑफ द कॉन्शियस माइंड, कि मैं जो कर रहा हूँ वो चाहत से कर रहा हूँ या नीड बेस पे कर रहा हूँ, वॉन्ट है या नीड है, और ये मैं करना चाहता हूँ या ये मेरी जरूरत है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो है ना स्ट्रगल, स्ट्रगल वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिंदगी की। एंड उसके बनी भी जो है ना लियो के लिए ना, नहीं वो सबके लिए, लियो तो वैसे भी इस चीजों में वैसे बड़े एंजॉय करते हैं, और उन्होंने निकलना होता है आगे अपना रास्ता बनाते हुए, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा मुनीब ये बताइएगा कि उस टाइम में बिफोर, यानी कि हम पास में जाए वही 20-22 साल पहले, तो तब तो फैशन पढ़ाया भी नहीं जाता था, फैशन की सेंस भी नहीं थी। हम पंजाब वाले या लाहौर वाले समझते थे कि एक्चुअल में जो फैशन है वो आए कराची से है, कराची के लोगों को फॉलो करते थे। बिल्कुल। उस जमाने में बहुत नए ब्रांड्स है, टी जे यानी कि और फिर हमारे सीनियर्स में से आपको तो उमर सईद हो गए, बंटो काजमी हो गई, ठीक है, इस तरह के नेम थे, फैजल समी हो गई, ये लोग सारे लेजेंड्स हैं, ठीक है ना। अच्छा इन इन सब लोगों के होते हुए आपने थोड़ा सा, आपके लिए बहुत थोड़ा टफ टाइम भी तो होगा इनके साथ, यानी कि क्योंकि आप कराची बेस्ड थे, शायद इसलिए आसान हो गया।
नहीं आसान मुश्किल मुझे सी वही वाली बात है शायद कि अगर आप ना अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात ढूंढना शुरू करो तो फिर तो आपको 2000 मिल जाएंगी। ठीक है आप उस मैं ना मुझे लोग पूछते हैं कि सबसे मुश्किल चीज क्या थी, मैं याद ही नहीं क्योंकि मुश्किल पड़ी इतनी कि मुश्किल आसान हो गई है। बिल्कुल बोला साहब बिल्कुल। और देखिए और जब तक ये नहीं होगा ना तब तक आप मुश्किलों में रहोगे। आपकी जिंदगी का मकसद मुश्किल में रहना है नहीं, आपकी जिंदगी का मकसद है कि आपने उस मुश्किल के अंदर भी क्या सुकून ढूंढ सकते हो। फबियाना रबी कुमार कज़बान के मकसद मुझे तो ये समझ आता है कि यार आपका फोकस किस चीज़ पे है। आपका फोकस इसके ऊपर है कि आपकी क्या मुश्किल आता है या आपका फोकस इसके ऊपर है कि आप एटलीस्ट इस जोगे हो कि आप मुश्किल को मुश्किल बोल सकते हो और आप अल्लाह ताला से मदद मांग सकते हो कि यार आप ही करने वाले मदद है। तो फिर वो जब यागन आप तो यागन असाइन बोल दिया मान लिया तो फिर उस पर यकीन कर लो। फिर उस पर अगर आप यकीन करने जोगे हो एंड अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग मेरे से समटाइम्स नहीं भी होता बट इवेंचुअली गोल क्या है आपकी जिंदगी का गोल यही है कि यार मैं सुकून से आज कैसे सो सकता हूँ, मेरे से कोई बंदा बगैर हर्ट हुए कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है और मैं नीवे नीवे होके या उत्ते उत्ते होके मैं कितना लंग नहीं है। ये बेसिकली पूरे पूरे सिराज जो है ना वो ये जिंदगी है। इसके अंदर दोनों तरफ आपके कांटे आपने दरमियान में मियां नहीं और यही हमारा यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए यही है कि अपना रास्ता तलाश करें। अच्छा मुनीत ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितने आपने थोड़े से टाइम में मुझे बता दिया है। इसमें कुछ टाइम ऐसा भी आया होगा जब आप बहुत डिसहार्ड हो गए होगे और आपने सोचा होगा यार किस काम से पड़ गया ये नहीं कि मैं और मोस्टली हमारे पेरेंट्स हमारे गेस्ट होते हैं यार ये किस तरफ तुम जा रहे हो ये क्या काम है इससे घर चलेगा क्या यार तुम पढ़े लिखे के बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली से तुम्हारा तल्लक है और ये क्या कर रहे हो तुम कपड़े बना रहे हो। मुश्किलात ऑब्वियसली आई हैं बहुत आई हैं अल्लाह का शुक्र। मैं वो जानना चाह रहा हूं कोई कोई ऐसी चीज बहुत मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको बैठ गए हो और आपने कहा नहीं यार फिर अल्लाह की तरफ देखा होगा ये अल्लाह उसके बाद फिर कामयाबी ये तो हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं जब बहुत छोटे लेवल पे कपड़ा लेता था तो मेरा बड़ा सप्लायर होता था बहुत अच्छा उसके बाद बड़ा औखा किस्म का कपड़ा आता था मुझे औखे कपड़े से बड़ा टेक्सटाइल से बड़ा इश्क था। तो वो मैं उसके पास गया मैंने कपड़ा निकाला वहाँ पे एक हमारे सीनियर डिजाइनर थे उन्होंने वो कपड़ा उन्होंने आके पसंद कर लिया उन्होंने कहा कि ए, इसको तुम क्या दोगे ये तो एक उसका वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कि ये कौन है ना इसको तुम कपड़ा दोगे मैं तुमसे वो मैंने कहा यार मैं उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए मैं 20-22 साल का एक लड़का था 21 साल का मैं थोड़े से पैसे लेके आया मैंने मुझे ये कपड़ा दे दें उसने कहा यार भाई वो अच्छा। फिर लकीली हुआ ये कि उस बंदे ने वो कपड़ा मुझे दिया भी ये भी एक मोमेंट था कि यार उसके पास वहाँ पे लेट्स अस्यूम एक और बंदा है वो 100-200 गज ले रहा है मैं 5 गज ले रहा हूँ उसने कहा यार नहीं इस लड़के को दे दो और उससे मेरी आज भी दोस्ती है उस पठान से जो वो आशियाना का पठान है मेरी आज भी दोस्ती है गल्फ वाला पठान मेरी आज भी दोस्ती है कभी ना कभी मैं जाता हूँ कराची में जाकर उनसे ऐसे ही बैठ के चाय शाय पी लेता हूँ कि यार बॉयज़ क्या हाल चाल है। ठीक है तो वो आई थिंक देयर बीन बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे में लोगों ने एक मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया अपने हिसाब से मेरी जमा पूंजी से ज़्यादा महंगा था वो प्रोजेक्ट उस ज़माने की 2005 की बात हो गया मुझे में मेरे उस प्रोडक्शन हाउस ने पैसे नहीं दिए आज तक नहीं दिए वैसे तो ये हमारे फील्ड में रहा है स्पेशली टेक्सटाइल के बारे से अगर हम बात करें तो नहीं ये प्रोडक्शन में बहुत होता था बिकॉज सी आई शिफ्टेड टू डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी प्रोडक्शंस म्यूजिक वीडियोस होती थी एड्स बनते थे वो सारा मेरे टाइप का काम होता था मुझे प्रोजेक्ट्स करने का बहुत शौक होता था क्योंकि आप शुरू करते थे और आप एंड कर जाते थे तो उसका एक अपना मजा आता था आपको पेमेंट मिलती थी। अभी प्रोडक्शन हाउस ने काम पूरा कराया उसने पैसे नहीं दिए मैंने बड़े मैसेजेस किए अभी भी एक साहब हैं बड़े हैं वो पैसे नहीं दे रहे पहले लड़ाई करने की भीख मांगने की कोशिश की लड़ाई करने की कोशिश की फिर प्यार मोहब्बत पैर वो नसीब के नहीं थे नहीं मिले। सो इस तरह के बहुत सारे टाइम्स आए हैं कि जब हमने बहुत झटके खाए और हर बिजनेस मैन ने खाए ये कोई मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम लोग 4 दुकानों वाले के हैं या 10 दुकानों वालों के हैं 50 दुकानों वालों का झटका उनके हिसाब से आता है और झटके खाने वाले का ही नाम बाजीगर है। बेसिकली वो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो
आपका मकसद ही, अगर आप एक ख्वाब पे चल रहे हो ना तो उसकी तबीयत के लिए इस चीजें जरूरी मुनीब साहब, मैं ये अपने हर गेस्ट से जरूर करता हूँ, उसकी वजह ये कि जो ये न्यू यानी कि आने वाले ये बच्चे हैं ना यंगस्टर, वो बहुत शॉर्टकट की तलाश में होती है, उनको नहीं पता है कि स्ट्रगल क्या होती है, उसके बाद क्या चीजें मिलती है, फिर सेटिस्फेक्शन क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत अच्छा ये वो है इंटेंशन कि अगर बच्चों को ये समझ आ जाए, बट आई थिंक जिसने करना होता है ना उसको समझ आ जाती है। लेकिन मरीज कोई एक ही होता है, वो हर फील्ड के अंदर शायद कोई एक ही होता है, फील्ड के अंदर ना शायद एक शाहिद निकलेगा, एक मुनीब निकलेगा, एक वो उमर सईद निकलेंगे, एक रजवान बेग निकलेंगे, एक महीना आंटी निकलेंगी, एक इस तरह के लोग। और मैं अभी भी बच्चों के साथ बैठता हूँ, मुझे शौक है कि उनसे मैं बैठ के सीखूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ कि हाँ 20 में से 17 बच्चे कहते हैं यार इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है, ये उनका एक माइंड सेट है। 3 बच्चे मैं देखता हूँ या 2 बच्चे मैं हर उस सेट में देखता हूँ, कहते हैं यार इतनी अपॉर्चुनिटी है ना अभी पाकिस्तान में, इतनी अपॉर्चुनिटी अभी पाकिस्तान में कि मुनीब भाई आपको क्यों नहीं नजर आ रही। और फिर वो मुझे बताते हैं कि यार देखें अगर हम 27 करोड़ लोग हैं उसके अंदर से हम इसको सेग्रीगेट करें और ये करें और वो करें, वो एक पैशन है उनके अंदर और वो पैशन ही ड्राइव होती है। और हम लोग 100 में से 100 लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो सारे जैसे हैं, हम पॉसिबल भी नहीं है, वो मैं कहता हूँ 5% भी लोग अगर हमारे मुल्क के बेहतर चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, मैं तो कहता हूँ 1% भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी जिनको हम ट्रूली सेलिब्रेट करते हैं और अगर हम उनको यही करना शुरू करते हैं, देखें 30 करोड़ में से 1% इज अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, सो अगर आप 30 लाख लोग भी अपनी जिंदगी को सही तरीके से तो बेहतर होना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक के है आई ऑनेस्टली बिलीव के अब वही वाली चीज़ है कि आपने क्या देखना है, आपने नामे लोगों को देखना है तो आपने नामे को देखोगे, आपने तब की फैशन इंडस्ट्री और आज की फैशन इंडस्ट्री 22-23 साल के सफर के बाद क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आज की फैशन इंडस्ट्री जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर है बिल्कुल या नहीं है? बिल्कुल नो डाउट हमारी फैशन इंडस्ट्री ने उस जमाने से अब तक बहुत ग्रो किया है, आज बहुत बड़े नेम्स आ चुके हैं मार्केट में और भी ज़्यादा, और इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप अपना ओपिनियन बताएं कि क्या लगता है आपको तब के हालात और वाकयात में और आज की फैशन इंडस्ट्री कहाँ? फैशन का मकसद ही ना इट्स द नेक्स्ट, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द पास्ट, इट इज़ लिमिटेड टू हाउ यू कैन यूज द पास्ट टू कम टू द प्रेजेंट एंड ब्रिंग इट टू द फ्यूचर। सो फैशन आज से 20 साल पहले भी यही कर रहा था, फैशन आज से 30 साल पहले भी यही कर रहा था, फैशन आज भी यही कर रहा है। अब देयर सो मेनी यंगर ब्रांड्स दैट आर डूइंग सच ग्रेट स्टफ, मतलब आपके पास मोहसिन है, आपके पास जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो दिल से ऑथेंटिक काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, पुराने लोग जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे वो उधर फंस रहे हैं, वो टू ईच देयर ओन है। फैशन का काम एक मुल्क को और अपने एक डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट करना होता है उसकी सोच, वो जब आप उसके पेज पे जाओ, आप उसकी साइट पे जाओ, आप उसके इंस्टाग्राम पे जाओ, अगर आपको उसकी सोच समझ आ रही है वो आपका डिज़ाइनर है, अगर नहीं समझ आ रही वो आपका डिज़ाइनर नहीं है, लंग जाओ, ठीक है। सो वो उस तरीके से इट्स अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ अ प्लेस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैशन एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो आई एम वेरी सैटिस्फाइड जहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। सी मैं सबसे ये पूछता हूँ, लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, किसी और इदारे को ये करना चाहिए, किसी और इदारे को ये करना चाहिए, मैं कहता हूँ आपने क्या करना है, आपका ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर सकते हैं, कैन यू ग्रो आउट ऑफ योर करंट पोजिशन, एंड इफ यू कांट यू विल ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज, दोज हू कैन विल एंड दोज हू कांट विल फाइंड एन एक्सक्यूज। सो वो विल तक तो सारे सेम है, जो ये कहते हैं कि मैं करूंगा और जो ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वो दोनों सही बोलते हैं, बोलते हैं इंसान से। अब आपने अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन क्या करनी है, आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, वो सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आपकी जिम्मेदारी में ना, किसी ने वो एक हमारे प्रॉफिट से किसी ने पूछा, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, बट वो इस तरह की थी कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, आपकी जिम्मेदारी अपने आप के साथ क्या है, क्या आप अपने आप के साथ सच बोल रहे हैं और बोल सकते हैं, और वो कहाँ से आ रहा है सच, क्या वो आपका सच है, क्या वो शायद ने बोला है कि जी मुनीब अच्छा इंसान है तो मैं बोलना शुरू कर दूँ हाँ जी मैं अच्छा इंसान हूँ,
क्या वो मेरे मेरे बड़े भाई ने बोला है या वो मेरा सच है. सो वो इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि मैं हूँ कौन. सो फैशन डिज़ाइनर का काम है और वो मिल के फैशन इंडस्ट्री बनती है, वो सारे कोशिश यही करते हैं कि हम सच बोलें. और अगर वो एक कलेक्टिव सोच सच की होती है तो वो इंडस्ट्री आगे बढ़ती है. जब वो कलेक्टिव सोच किसी और की उठाई हुई होती है जो झूठी होती है, बेसिकली जो फेक होती है या इंस्पायर्ड होती है या अनओरिजिनल होती है, तो वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो आप समझते हैं कि हम ठीक है यार, मेरे ख्याल से अभी कलेक्टिव सोच हमारी ठीक है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम था मैं अगर 2005 की बात को जब हमने स्टार्ट लिया था पाकिस्तान में, फैशन इंडस्ट्री में आए थे हम, आप लोगों को देखते हुए सीनियर्स को, और अब फैशन मैगजीन हमने किया, बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान का फैशन मैगजीन, एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन. अच्छा उस वक्त हमें पता था कि फैशन मैगजीन करना बहुत बड़ी बिग जॉब थी और बड़ी टफ जॉब थी. बिल्कुल. लोगों को ना पाकिस्तान में, क्योंकि मैं यूके से आया था, दुबई से रहा है हम, तो हमने देखा वहाँ पर भी लोग समझते थे फैशन सेंस क्या है. यहाँ पर लोगों को समझाना पड़ता था. बिल्कुल. यार ये फैशन है, वो लोग कहते हैं फैशन है कि ठीक है, प्रिंट करने का छापन था, यानी कि क्या फ़ायदा है. देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इसी रोड की बात कर ले, एमएम आलम माशाल्लाह, जिन्हों पंजाबी को इट पोटो तो डिजाइनर भी कर लेते हैं, अब ये हो चुका हुआ है, घर घर काम हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही तरक्की है हमारी, यही यानी कि वही ख्वाब है जो मुनीब ने देखा था, यही वो ख्वाबों की तबीर है जो हमारे सीनियर्स ने देखी थी. बिल्कुल. और हर किसी की ख्वाब भी ना बड़ी अपनी अपनी सोच के हिसाब से होते हैं. यार हो सकता है मेरा ख्वाब हो यहाँ तक का, किसी का ख्वाब हो कुछ और, किसी का ख्वाब कुछ और हो. सो आप ख्वाबों के ऊपर लिमिटेशन तो आपकी अपनी है, माइंडसेट ये है ना कि यार मैंने क्या करना है क्या. तो वो बेसिकली यही वो इंडस्ट्री है जिसका मुझे प्यार है. मैं अभी भी देखें रात्रि 11-12 बजे यहाँ पे बैठा हूँ, तो मतलब मुझे इसमें कोई वो नहीं है, बुरी नहीं लग रही बात के यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे करने का शौक है, मैं रोज काम पे. यार आप वाली बात कि सेटिस्फैक्टरी होती है ना जब अच्छा काम होते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको. और वो भी बात की है, वो भी बात की है. आप खुद किस वजह से उठ रहे हो? हाँ. आपकी आज नियत उठने की क्या है? क्या आपके अंदर ड्राइव है इस काम के करने की? जो भी आप काम कर रहे हो जिंदगी में, आप शेफ हो, आप डिजाइनर हो, आप सिंगर हो, आप कॉर्पोरेट हो, आप वकील हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप जो मर्जी हो, आपकी आपकी क्या रीजन है टू वेकअप? क्या आपकी रीजन टू वेकअप वो है कि यार अगर मैं नहीं उठा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, या अगर मैं उठा तो मैं आगे बढ़ूंगा? सो एक होता है फियर, एक होता है लव. उसके अंदर अगर आपने कॉन्शियसली डिसीजन लेना होता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर व्हाई, वंस यू कमिट टू योर व्हाई देन द रोड बिकम्स ईजी, कि आपको काम करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती. फिर आप सिर्फ आ जाते हो बिल्कुल, और आप पहुँच जाते हो. और बीइंग ए मुस्लिम वैसे भी हमारा यकीन है कि आपने तो करना है, ठीक है, बाकी होना तो आसानी होनी तो अल्लाह ताला की तरफ से. मुझे तो ये भी लगता है कि आपने करना भी नहीं है, करना भी नहीं है. आप किसी मैं चीज ये कहता हूँ कि आप जिस टीम में खेलते हो ना, वो टीम आपको पिक करती है, आप उस टीम को नहीं पिक करते, राइट? सो आपने किस टीम में खेलना है, क्या ख्वाब देखना है. मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि वो भी आपके नसीब का नहीं है. क्या मैं ख्वाब नहीं देख सकता था डॉक्टर बनने का? मैं ख्वाब भी देख सकता था वकील बनने का. मेरे सारे क्लास फेलोज या वकील हैं या डॉक्टर हैं, मैं एक दर्जी निकला उसमें से, ठीक है, 32 में से. ये अब दर्जी ना कहें आप, खैर है डिजाइनर जो भी, बट द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट माय ख्वाब बिकेम. मैंने तो नहीं वो ख्वाब देखा था, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट वो बस मुझे आया. और वो क्यों मैंने उस वक्त डॉक्टर नहीं देखे थे, देखे थे, मतलब हमारे बचपन में कोई ना कोई तो देखा ही होगा ना डॉक्टर. मेरे से डॉक्टर था, टीचर था, इंजीनियर था, वकील थे, डॉक्टर भी कॉमर्स आ चुकी थी उस टाइम. मतलब मेरा बाप एक बिजनेसमैन था, ब्यूरोक्रेट था, उसने सारा कुछ देखा हुआ था, मुझे उसको भी मैं फॉलो कर सकता था. तो द पॉइंट इज कि एवरीथिंग दैट यू सीक है वो आपके ऊपर. फिर उसके बाद ये है कि आपने बस ये चूज करना है दैट व्हाट यू कमिटेड टू यू आर एक्चुअली कमिटेड टू. बिकॉज अगर वो आप मुश्किल टाइम, जैसे आप कह रहे हो ना कि मुश्किल टाइम जो आए हैं, अगर वो मैंने गुजारे ना होते तो आज शायद तो मैं शायद उनके बारे में बात कर सकता हूँ. मैं गुजार चुका हूँ तो वो मुश्किल थे नहीं. मुश्किलात वो होती हैं जहाँ पे आप रुक जाओ, अगर आप उसको क्रॉस कर जाओ तो मुश्किल नहीं रहती. चलते रहने का नाम मुश्किल नहीं, क्योंकि बहता पानी जो होता है नाज़रीन वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है. बिल्कुल मनीब भाई, मनीब नवाज जो ब्रांड है
तो इसको बनाते हुए इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी और क्या, यानी कि आपकी क्या इसके पीछे स्ट्रगल तो बता दी आपने, अच्छा फिलॉसफी क्या थी इसकी? यार फिलॉसफी थी कुछ नहीं, थी okay. करना ही है, मजबूरी है? नहीं नहीं मजबूरी नहीं है, करना है, शौक है। अच्छा ठीक, शौक और मजबूरी का तो फर्क है, है। जो ख्वाब और ताबीर के अंदर ना सिर्फ यही समझना है कि ये मजबूरी है या शौक, ठीक है, कि ये पैशन है या नीड है, ये वांट है या नीड। तो ये नीड थी आपकी? नहीं, ये वांट थी। ओके, वांट थी। ये करना है, ये दिल ने इरादा कर लिया था, वरना दिमाग से तो मुझे उस जमाने में जब मैं 3,000 रुपए भी नहीं कमाता था, वो 60,000 रुपए की तनख्वाह में ऑफर हुई हुई थी एज ए डिजाइनर, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर किसी और कंपनी में। हमारे दोस्त हैं साथ वाले, उनके वो है, उन्होंने मुझे बड़ा, और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम दिया। उन्होंने मेरा आज भी मेरे भाई जो है उनके अल्लाह जो नसीब करे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, मैंने कहा मतलब सोच लिया। सो वो बेसिकली इस तरह की बातें मुझे थोड़ी बहुत याद है कि हुई होंगी, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था करना ही है। As far as this is concerned, के अब philosophy क्या है, philosophy बहुत देर बाद बनना शुरू हुई। मुझे तो उस वक्त सिर्फ कपड़े बनाने का शौक था, जैसे आपने शुरू में कहा था creativity को express करने का शौक था कि यार मैं हूँ कौन। Like पहले मुझे कि शौक था डॉक्टर बनने का, फिर मुझे शौक बना राइटर बनने का, पोइट बनने का। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे लिखने का बहुत शौक है, आज भी है, मेरे पास 2 किताबें अपनी पड़ी हुई हैं, एक मैंने बच्चों की किताब पब्लिश हो गई हुई है, एज ऑथर आपने? हाँ, सो एज आई एम पब्लिश्ड ऑथर, ये बच्चों की एक किताब लिखी हुई है, 2 किताबें और लिखी हुई हैं। सो द पॉइंट वाज के बट आई डिड नॉट वांट टू कमर्शलाइज राइटिंग, आई वांटेड टू मेक डिजाइंस, आई वांटेड टू कमर्शलाइज समथिंग दैट वाज स्टिल सुपरफिशियल इनफ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सुपरफिशियलिटी का शौक था भी, सो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट कि वो यही था। एंड फिलॉसफी जो थी वो बाद में बनी, आई थिंक आफ्टर मेनी ईयर्स, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। चलिए, वो फिलॉसफी थी क्या? ये फिलॉसफी जो बाद में बनी वो ये थी कि यार मेंस वेयर को, पाकिस्तान के मेंस वेयर को, हमारे पाकिस्तान में ना सबसे बड़ी एक्सपोर्ट पता क्या थी? हमारे म्यूजिशियन और हमारे स्पोर्ट्समैन, और उनको आप कभी बाहर देखो ना जाके उस जमाने में, तो एक अजीब से कपड़े पहन के वो लोग निकले हुए होते थे। तो मैंने उनके म्यूजिशियंस को पकड़ा, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ आपके मैं कपड़े बनाऊँ, बेशक मुझे पैसे मिले ना मिले, मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का इमेज जिसकी आप बात करें ना, वो हमारे लोग थे, वो हमारे लोग थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, और उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनकी उनके हिसाब से अपने के मुताबिक, हाँ, हम अपने जो डिजाइनर होते थे उससे पहले वो अपने कपड़े बनाते थे और कहते थे आप ले लें, मैं उनके लिए कपड़े बनाता था। सो वन ऑफ द थिंग्स वाज टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। ओके, द अदर थिंग वाज के एक हमारा एक डिजाइनर लॉट होता था जो महंगा होता था, एंड एक होता था वो तारिक रोड टाइप सिचुएशन, जो अब तो खैर बेहतर हो गई हुई है, बट एक जमाने में मतलब देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द मिडिल क्लास। सो आई वांटेड टू कम राइट इन द सेंटर एंड क्रिएट क्लोथ्स फॉर द यंग एडल्ट्स जो के अपने पैसे कमाते थे। उस वक्त एक नया मिडिल क्लास का एक दौर बन रहा था जो कि खुद पैसे कमा रहे थे, घर चला रहे थे, रेंट्स दे रहे थे, ये वो कर रहे थे, और उनको अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी हो गया था, कुछ उन्होंने इंटरनेट देख लिया था, उन्होंने म्यूजिशियंस को देख लिया था, उनको होता था अवेयरनेस आ गई थी, फैशन मैगजीन्स बनाना शुरू कर दिए थे, तो वो फैशन मैगजीन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपके वो संडे पे मैगजीन आता था, आपके वो इंस्टेप आता था, आपका डॉन न्यूज आता था, उसका वो बड़ा एक लीडिंग सिचुएशन होती। मैं उनको देख देख के मैं खुद भी उसको आई गिव अ बिग क्रेडिट टू पीपल लाइक अथर शहजाद एंड खावरियाज एंड दीवाज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल एंड शेरू एंड इफत उमर एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक एट दैट टाइम द वे दे वर cataloging fashion nobody did, uske baad maine hum tv pe show kiya Amna, yes, and all of those people, so for that matter, so maine hum tv pe fashion investigative report ke naam se ek tv show bhi shuru kiya, I think that was 2003, 3-4 ki baat hai. So the whole idea was to bring fashion to the people and or my kind of people, matlab main bahut zyada awami shayad nahi ho saka, बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं था उस तरीके उस डायरेक्शन में जाने का। सो द आइडिया वाज टू हाउ कैन वी रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कल्चर इन अ मॉडर्न सॉर्ट ऑफ मॉडर्न, सो द आइडिया वाज कल्चरली रूटेड ग्लोबली अडैप्टिव, कि अगर मेरे कपड़े कोई पहन के पाकिस्तानी बने हुए कपड़े हो, आप न्यूयॉर्क में भी फिर रहे हो, तो आपको ये ना हो कि यार मैंने कोई लोअर क्वालिटी की चीज़ पहनी हुई है, आप लंदन में पहने हो, आपने फ्रांस में पहना हो, आपने कहीं पर भी मेरे कपड़े पहने हुए, तो आप यू कैन ओन अप टू द ब्रांड and you can own up to the clothes as well. आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप कहीं पे भी जाके हल्के हो because of the brand that you're wearing. So that was the brand that I wanted to make and God's been very very kind that we are there now. अच्छा मनीष, एक impression ये भी आता है कि भी जो men's wear है ना, उसके जितने designers हैं, अब तो काफी यानी लोग आ चुके हैं, काफी brands हैं, हमारे colleagues भी आपको पता भी है बहुत सारा,
लेकिन एक टाइम था कि मेंस वेयर में तो अर्निंग भी नहीं थी फैशन डिजाइनर की, तो मोस्टली लोग यानी कि बनाते थे यानी कि ब्राइडल वेयर, फॉर्मल वेयर, सेमी फॉर्मल, ठीक है। तो आप उस तरफ क्यों नहीं आए, यानी कि आज भी यानी कि आप सिर्फ आपके ऊपर लगा हुआ मेंस वेयर का ही यानी कि स्टैंप है। सो इसी मेरे ख्याल से अभी मेंस वेयर की इंडस्ट्री बनी नहीं है, फैशन इंडस्ट्री बन गई है, मेंस वेयर की इंडस्ट्री नहीं बनी। देखें आप लेदर की बेल्टें लेने जाएं आपको चार डिजाइनर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सो आई थिंक अभी वो इंडस्ट्री बनने के लिए टाइम होना है, एंड आई थिंक समबडी हैज टू स्टिक टू वन थिंग। यस, मैं अपनी टीम के साथ बैठ के हम बातें करते हैं कि यार व्हाट्स द वन रिस्क दैट वी हैव टू टेक, इट इज वुमेन्स वेयर, बट आई वांट्स टू मेक द वुमेन्स वेयर दैट आई वुड लाइक टू मेक रादर देन व्हाट द यू नो द मार्केट इज ऑलरेडी मेकिंग। सो अगर हमने किया हम कर लेंगे, एंड आई एम नॉट लिमिटेड माई सेल्फ, आई हैवंट लिमिटेड, मैंने फिल्मों के लिए औरतों के कपड़े बनाए, बहुत सारी लड़कियों के लिए कपड़े बनाए हो दे, यस, बट वो उसको कमर्शियल लेवल पे नहीं उस तरीके से किया बिकॉज ऑफ यू नो मे बी जरूरत नहीं पड़ी, और गॉड्स बीन वेरी काइंड के मेंस वेयर में दो पैसे इज्जत दी है कि वो चल रहा है काम। सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम कम्पीटिंग विद समबडी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हम इनकम को ना जब इस तरीके से वो करते हैं, गेज करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा शायद कितने पैसे कमाता है, मैं कितने पैसे कमाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ तो शायद बुरा फील करेगा, मैं उससे कम कमाऊँ तो मैं बुरा फील करूँगा, तो मैंने कंपेरिजन करना छोड़ दिया कि कोई क्या कर रहा है। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम क्रॉस करना पड़ता है, बट लोग जनरली ना मैं एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट से थोड़ा सा आजकल मैं सीख रहा हूँ, तो नमाज पढ़ते हुए जो आखिरी लफ्ज़ है ना वो है हिसाब, हिसाब, ठीक है, कि मुझे हिसाब से बचा लें, ठीक है। तो हिसाब क्या होता है कि यार हिसाब, मुझे ये लगता है कि हिसाब एक होता है फ्यूचर इनकम, एक होती है पास्ट इनकम, एक होती है कंपेरेटिव इनकम, कि मैं कल क्या कमाऊंगा उसकी टेंशन ले लूँ, कल क्या कमाया था उसकी टेंशन ले लूँ, या किसी ने आज, हाँ ये होनी ही चाहिए। So, जब आप अपने आप को हिसाब से being Asian हमारे साथ ये problem है, हमारे being Asian या being human है, being human है, ये पूरी दुनिया में problem है, but अगर और इसीलिए हमारे religion का या दुनिया के religions में वो ये कहते हैं कि यार आपकी जिम्मेदारी आप है और आपका इमीडिएट फैमिली जो आप पे डिपेंडेंट है, आपने उनके ऊपर काम करना है, आपने उनकी भलाई के लिए काम करना है, अपनी वेलफेयर और उनकी वेलफेयर, और इंसान सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास ज्यादा हो। जो आपके पास अगर अच्छाई ज्यादा है तो आप अच्छाई दे सकते हैं, आपके पास दुख ज्यादा है तो आप दुख दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देना जरूर चाहिए, वही आप दे ही वो सकते हो ना। एक टाइम ऐसा आता है जब आप अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दे दिया होता है, फिर आपने वही वाली बात जो हम करते हैं CSR के हवाले से, फिर टाइम आता है चाहे आप डिजाइनर है या कुछ भी, किसी जगह पर भी आप स्टैंड कर रहे होते हैं, आप सोसाइटी को भी तो लुटाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप उसका पार्ट हो ना, पार्ट हो ना, आप एक पत्ता हो। अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि आप जितने भी बड़ी मर्जी हो जाओ, आप या एक पत्ता हो, या एक फूल हो, या एक फ्रूट, या एक फ्रूट हो, ठीक है, फल हो, पत्ता हो, या वो कुछ भी है, यानी फूल हो, फल फूल और पत्ता टाइप, अगर हम इसमें आ जाते हैं और आप ये रियलाइज करते हो कि आप एक बहुत बड़े दरख्त, आपने कभी किसी एक दरख्त के पत्ते के नापे काउंट ही नहीं कर सकोगे आप। सो बेसिकली हम सारों का अगर हम इस पे आ जाए कि यार कितने लोग आए, कितने बड़े बड़े सोचे आए और कितनी बड़ी बड़ी सोचें चली गई, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत फिलोसॉफिकल टाइप का इंसान हूँ, मुझे ये लगता है कि यार थोड़ी देर के लिए आपके अंदर सुकून रोज 5 मिनट की कोशिश कर लेनी चाहिए, अगर आप पालो ग्रेट, ना पालो तो एक सेपरेट चीज़ है। सो इतने जो कि आपको रोज के रोज हो जाना चाहिए कि 5 मिनट, और कोई जो 5 हम लोगों ने करनी होती है वो बेसिकली ये है कि यार 5 दफा अपने आप को सरेंडर तो करके देखो दिन में। बिल्कुल, और वेरी वेल। अच्छा मनी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद है कि बिफोर 3 to 4 years मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल अपने मैगजीन में जब लिखा था तो बहुत सारा क्रिटिसाइजर का मुझे सामना करना पड़ा। अच्छा। जो मैं आज भी आपसे भी क्वेश्चन करूंगा, अक्सर अपने कुलीग से भी करता हूं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के ऊपर एक स्टैम्प लगती जा रही है कॉपी पेस्ट, ठीक है, वो क्रिएटिविटी कहीं नज़र नहीं आती, जहाँ जो मनीब करता था, जो वही लिबाद उमर सईद की नजर नहीं आ रही किसी जगह पर इस तरह की। अब कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट जो आ गया है कि उधर से उठाओ उधर से उठाओ, तो उसको यही हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में आ चुकी चीज लॉन बननी है, बस डिजाइनर का नेम होना चाहिए, उसको ले लिया, इतना पैसा दे दिया कि ब्रांड ले आओ, ठीक है, लेकिन असल चीज जो है ना काम वो पीछे चला गया है। इसके ऊपर क्या है आपका? अगेन ये आपकी एक नुक्ता निगाह होती है, जैसे अगर आप अभी ये देख रहे हैं ना, ये वाली दीवार आपके सामने है तो आपको ये वाली दीवार नहीं नजर आ सकती, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं ना कि कॉपी पेस्ट हो रहा है तो आपको इस तरह की 100 मिल जाएंगी,
अगर आप ये देखना शुरू करेंगे ना कि जो ओरिजिनल काम करें वो भी आपको साथ मिलेंगे। ये रियलिटी तो है ना, आप इसे हर चीज रियलिटी है, हर चीज रियलिटी है, रियलिटी जो कि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं मैं बोल रहा कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं दोनों साइडों। ठीक है, ठीक है। और जब जिसकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाती है ना फिर आपकी, एज ए डिजाइनर आप सोचे नहीं, या मुनीब एक डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और कुछ दिनों बाद एक डिजाइन आता है उसको पता चलता है कि लिबर्टी भी कॉपी करके बिक रहा है, लिखा भी है लोगों ने कहा जी आपने क्यों ऐसा कहा है, ये है, इसका वो कहने है। का क्या फायदा हुआ? नहीं, फायदा नहीं, मैंने तो ऐसे अपने यानी जॉब के साथ यानी कि इंसाफ किया था, मैंने तो जो नजर आ रहा था मुझे वो लिखा मैंने। बिल्कुल सही है, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। ठीक है, आपको फायदा हुआ, आप खुश है? नहीं, मैंने तो अपना जॉब के साथ इंसाफ किया, क्योंकि मैंने हकीकत लिखी कि भी ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप कौन होते बताने वाले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? आप एक जर्नलिस्ट हैं या एक फैशन वो है या आपने मतलब आप किस फैशन जर्नलिस्ट कह लें, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताएं कि वो क्या करें। नहीं, क्या ये नहीं मैं कह सकता क्या करें, तो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि क्या चीज सही है क्या गलत है, और शायद इसी वजह से ही बैलेंस होके किसी जगह पर कुछ चीज होती है चलती आके। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, बिकॉज़ देखें माय पॉइंट इज मेरी और मेरी या कि ये चीज को कंटिन्यू करना चाहिए लोगों को, यानी कि आपके ख्याल से देखें बच्चों को जो पढ़ के आ रहे हैं जो फैशन को उनको जिस भी एंगल से मुझे अगर वो करने की कोशिश करें वो होगा नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। जी प्लीज, मैं आपको उसका एक बंदा है जो बेचारा लिबर्टी में उसने दुकान खोली हुई है, लेट्स अज्यूम वो डिजाइनर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो क्या करे, वो वर्कर है, कारीगर है, वो कारीगर है, उसने अपना घर चलाना है, हाँ, उसने अपनी दुकान चलानी है, बिल्कुल, उसने यार किसी का डिजाइन देखा, हाँ, उसने कहा यार मैं ये अपनी दुकान पे लगा लूंगा तो मैं कम पैसों में बेच सकता, ठीक है, उसकी भी रोटी चलानी है किसी ने। नहीं, मैं उनकी बात ही कर रहा, मैं डिजाइनर्स की बात कर रहा हूँ, आप जिसकी भी बात करें, मैं कह रहा हूँ डिजाइनर लेवल पर बात कर रहा हूँ, वो बेचारे का तो वो तो आपके पास भी काम कर रहा होगा, मेरे पास भी काम कर रहा होगा, अदर उसी तरह हम भी बेचारे को डिजाइनर ही हैं, हम भी किसी ना किसी को। चलो एक टाइम आएगा आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने ये देख लिया है होते हुए, और मैं देखें एक होती है इंडस्ट्री, एक होता है डिजाइनर। डिजाइनर मेरे से जब लोग पूछते हैं ना क्या, तो आपने ये समझना है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक डिजाइनर में फर्क होता है। डिजाइनर का काम होता है डिजाइन करना, इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है प्रोडक्ट को प्रोडक्टिफाई और को मॉडिफाई करना। बिल्कुल ठीक है, हम लोग अगर इस तरीके से करना शुरू हो जाए ना कि हर लेबल प्योरली ओरिजिनल काम करना शुरू हो जाए, तो आपके लेबल्स और इस वक्त जो मार्केट में लेट्स जो 2 लाख लेबल है वो 2000 रह जाएंगे। ठीक है, तो जो बाकी 1,98,000 वो ब्रांड्स है ना जिन्होंने उन लोगों को नौकरियां दी हुई है वो क्या करेंगे? एक कमोडिटाइजेशन भी एक पार्ट एंड पार्सल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है पूरी दुनिया में, बाहर कॉपीराइट है सर। नहीं सर, आप चाइना चले जाएं, चाइना को आप इसमें आप इंडिया चले जाएं। मैं उज्जैन लोगों से आपकी इंस्पिरेशन है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ यार, मैं कहता हूँ उनके ब्रांड भी तो चोरी हो रहे हैं ना, आप थाईलैंड चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, उनके ब्रांड चोरी होते हैं, होते हैं ना। सो आपने अगर एक जंग बांधनी है किसी के साथ फॉर द सेक ऑफ बांधिंग अ जंग, बाय ऑल मींस डू इट। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो वो कर रहा है वो उससे बेहतर नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता होता वो कर रहा होता। ठीक है, ठीक है ना। और जो डिजाइनर भी छाप रहा है वो भी बेचारा किसी वजह से छाप रहा है, वो नहीं छाप उससे बेहतर बन सक रहा होगा उससे। मैंने भी छापे होंगे डिजाइन, मैं बाय ऑल मींस कह रहा हूँ मैंने डिजाइन छापे, कर लो जो करना है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है कि मैंने क्यों छापे? कोई ना कोई तो वजह होगी, शायद मुझे वो इतना पसंद आया डिजाइन कि यार मैंने कहा यार ऐसा ये बिल्कुल ही। अब देखिए दुनिया में अब हो गई है सोच, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि जो आज शाहिद ने सोचा हुआ है वो दुनिया की यूनिक तरीन थॉट नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, शाहिद ने जो आज सोच लिया, मुनीर ने आज जो सोच लिया वो उससे पहले या उसके बाद कोई सोच नहीं सकता, 7 बिलियन लोगों में से सोच लिया। मैंने एक चीज सोची, रॉन्ग थिंग ये, हाँ, मैंने एक चीज सोची, मैंने एक चीज स्केच की, मैंने कहा यार ये ऐसे होनी चाहिए कि ब्लैक के साथ ना येलो लगा देते हैं। अच्छा, मैंने बना ली, 6 महीने बाद मैंने देखा यार किसी और ने भी बनाई हुई थी, तो हाउ डू यू फील?
आई डोंट फील एनीथिंग, आई एम ओके, आई हैव टू बी ओके, बिकॉज द थिंग इज अगर किसी और ने भी बनाई हुई है, हो सकता है किसी ने मुझसे पहले बनाई हो सकता है किसी ने मुझसे बाद बनाई हो, मैं एक दफा मैं लड़ा भी हूँ इस तरह के मौके पे, मैं आज से 10 साल पहले मैंने देखा मेरा डिजाइन एक मतलब एक मेरा बड़ा डिस्टिंक्ट डिजाइन था, मैंने बड़ी दिल से बनाया, फिर वो मैंने एक दोस्त को भी कहा कि यार लिख, उस बेचारे ने भी लिख दिया, फिर मैं 2 हफ्ते बाद मैंने सोचा कि यार इससे मुझे क्या फायदा हो, क्या फायदा हो, सच्ची बात है मुझे क्या फायदा हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं फायदा हुआ, उस बेचारे को जिसने कॉपी किया था उसको क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, ठीक है, जिसने लिखा उसको क्या फायदा हुआ। मैंने ये भी चीज देखी इसमें, मैं आपकी बात को इसमें ऐड ऑन और कर दूं कि जिसका जो डिजाइन होता है ना क्लाइंट्स को पता होता है उसी का डिजाइन, नहीं पता होता क्लाइंट ने यार एक चीज देखी को मेरे पेज पे है को मेरे पेज पे नहीं है, उसने किसी और के पेज पे देख ली, उसने वहां से ले लिया, यार ले ले तू खुश रहे यार, चले चले इसके ऊपर लड़ाई नहीं करते, लड़ाई नहीं, हमारा आर्गुमेंट हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट मुझे ये नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर अपनी जिंदगी को डिपेंडेंट करना है कि यार को मेरा डिजाइन छाप रहा है या मैं किसी का डिजाइन छाप रहा हूँ, बिकॉज एक इंडस्ट्री में ये पूरी दुनिया में या थॉट्स कलेक्टिव थॉट्स होती हैं, आप एक वक्त में और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सो देयर इज अ वेबसाइट इन द वर्ल्ड दैट काइंड ऑफ शोज व्हाट द नेक्स्ट 2 इयर्स ऑफ डिजाइन शुड बी लाइक, ठीक है, आपको ट्रेंड फोरकास्टिंग होती है, आपको हर ब्रांड में, अर्मानी ने भी उसको वो करना है, इंटरप्रेट करना है, मैंने भी करना है, ज़ारा ने भी करना है, और लेमन ने भी करना है, और खाड़ी ने भी करना है, और उन्होंने अपने तरीके से करना, आपने उस ट्रेंड को अपने तरीके से कैसे इंटरप्रेट करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, डैज कुछ लोग नहीं कर सकते, वो कहते हैं यार जो उन्होंने तस्वीर लगाई है वही टी शर्ट पे ला दूं, बट वो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म उनके ब्रांड का इंपैक्ट नहीं वो बनेगा, वही बात आ गई जो मैं कह रहा हूं ना, अच्छा अगर आपका पॉइंट ये था कि उनके ब्रांड का इंपैक्ट नहीं बनेगा, वो पैसे तो कमा लेंगे ना, पैसे कमा लेंगे, कमा लेंगे, किसी ने पैसे कमाने, किसी ने नाम, मैं एक चीज समझाता हूँ अपने अपनी टीम को भी लोगों को भी, हर चीज का ना एक मैंने एक वर्जन बनाई है, पीपीआई, किसका पल्ला भारी रखना है और कितना रखना है वो आपके ऊपर है, लियो से बेहतर ना कोई नहीं समझा सकता और कोई नहीं बता सकता इस चीज की डेफिनेशन, आप भी लियो है, आपको भी सारी समझ आती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने घर की ले लें, अपने बाहर की ले लें, अपने ऑफिस की ले लें, उसके अंदर आपने किसी को थोड़ा सा प्यार देना है, पैसे देने कितना ही इज्जत देनी है, आप किसी से ज्यादा पैसे ले लेते हो वो आपको प्यार और इज्जत कम देता है, ठीक है, आप किसी से वो कर लो, मतलब ऑन द कॉन्ट्री समटाइम्स आई फील जिससे ज्यादा पैसे लेते हैं वो आपको प्यार और इज्जत भी ज्यादा देते हैं, उसका फिर होराइजन ही बढ़ जाता है, वो इज इक्वल टू 100 नहीं होता, वो फिर वो इज इक्वल टू 300 हो जाता है, सो वो अब आपने ये गेज करना है कि दूसरे वाला देने क्या जोगा है, कितने देने जोगा है, कितने देने जोगा है, और आप क्या किस नियत से ले रहे हो और आप क्या दे रहे हो उसके बदले में, ठीक है, आपने भी तो इज इक्वल टू रखना है ना, उसको पल्ले को भारी रखना है, इक्वल रखना है, आप ये नहीं कर सकते इन इक्वल ट्रांजेक्शन जो है ना वहां पे जाके मसले होते हैं, बेशक आप घर पे हो, बेशक आप अपनी फैमिली के साथ हो, बेशक आप अपने दोस्तों के साथ हो, आप किसी को प्यार पैसा इज्जत देते रहो, दूसरे महीने आप अपने दोस्त को नहीं दोगे, ठीक है, आप 2 महीने आप दोगे, तीसरे महीने आप कहोगे यार तू तो जवाब ही नहीं देता, सर 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 ये तो वही लव बिगेट्स लव वाला साहब, बिल्कुल हां वो वही है, सक्सेस बिगेट्स सक्सेस, लव बिगेट्स लव, आप कॉन्ट्रडिक्शन बिगेट्स कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल ऐसा है मुनी, लास्ट क्वेश्चन, बातें तो बहुत सारी और भी करने टाइम की बंदिश है, क्योंकि ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे ना इसके ऊपर तो 2 एपिसोड की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, इसके अंदर 2 लोग और लेके हैं, 2 लोग और लेके हैं, और करते हैं प्लान, सोचते हैं ऐसा कुछ करने का, क्योंकि काफी विवाद है मेरे अंदर, यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि फैशन दुख भी होता है ना, क्योंकि हम लोग पुराने हैं ना, पुराने, आपने ना, मैं आपको बताता हूं ये दुख क्यों होता है, क्योंकि आपने ना उस टाइम पे छोड़ा या कम किया जहां पे जब ना फैशन एक अपने मोड से एक डिफरेंट एंगल पे जा रहा था, आप मैच्योर हो रहा था, हां मैच्योर नहीं हो रहा था, वो एक एंगल चेंज हो रहा था, वो टाइम जैसे T20 आ गया ना तो क्रिकेट चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, फैशन का भी फॉर्मेट फास्ट फैशन पे चला गया, वो कंटेंट क्रिएशन फर्क हो गई, वो ओरिजिनलिटी और वो जो थॉट प्रोसेस, देखिए पहले कलेक्शन निकलती थी 4 कलेक्शन, 12 कलेक्शन होती है, 16 कलेक्शन, पहले साल में 4 निकलती थी तो वो बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है, फिर 2 भी होती थी एक जमाने में,
आप 16-16 कलेक्शंस अगर एक ब्रांड ने बनानी है तो भाई, और उसके अंदर पहले हम बनाते थे 20 SKUs, अब बनाते 200 SKUs। तो आपने जिस टाइम पे छोड़ा था उस वक्त ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट्स बड़े फर्क थे, अब ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा आ गए, डिफरेंट चीजों में आ गए, ब्रांडिंग में आ गए, बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं प्रोडक्ट के अंदर। देखिए हमारी फैशन शोज भी तो उस क्वालिटी के नहीं रहे, बैक फैशन हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, बहुत दबाव आ जाएगा। इसका जवाब ना, आप डांस गाने को, नाचने को अगर आप फैशन शो के साथ तरजीह देंगे यार, जो कि हमारे कलीग्स और हमारे कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसी वो कर्फ्यू तो नहीं ना, यानी वो फैशन इंडस्ट्री से कोई तल्लुक नहीं उसका यार, आपके वाले टाइम की नहीं है, अब है, अब है, जरूरत है, अब है। Okay. क्योंकि देखिए अब आपका कंज्यूमर वो है, अब आपका कंज्यूमर वो देखने वाला है, वो देखता है। आप देखें, आप अभी अपनी तस्वीर लगाएं और एक बंदी को नाचते हुए लगाएं या बंदे को नाचते हुए लगाएं, उसके फर्क होगी। सो द थिंग इज, आपका कंज्यूमर अगर वो है, देखिए मैं सबको दो चीजें बताता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं यार फैशन शोज वो क्यों नहीं होते, मैं कहता हूँ क्योंकि फैशन शो ना हर इंसान अपने फोन पे कर रहा है, ना सिर्फ देख रहा है कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब फैशन शो का वो वाली जरूरत नहीं है कि आपने 30 लाख रुपए का स्टेज लगाया या 70 लाख रुपए की लाइटें लगाई और आपने शो किया, अब एक बंदा कहता है हाँ दिस इज माय न्यू क्लोथ्स एंड टक 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 फैशन शो हो गया, ठीक है, वो किसी ने देख लिया, खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या है, सो फैशन एक कमोडिटाइज हो चुका हुआ है, अब हर किसी के फोन में है, फोन में, ठीक है, और हर माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कोई ना कोई कपड़े भेजता है, उसको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिग्री तो बहुत बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ कि आपको तो मॉडल भी होने ऐप यानी डाउनलोड करें आप फैशन डिजाइनर बन जाते हैं, फैशन डिजाइनर भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप मॉडल इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर, व्हिच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बिकॉज़ दैट्स हाउ द टाइड इज राइट नाउ, ठीक है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द टाइड एंड से कि आई एम द चैंपियन ऑफ समथिंग, आई फील लाइक दैट, आई फील कि यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज गुड इन समथिंग, देयर इज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बी बैड इन समथिंग। द अदर थिंग इज कि हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर, अब आप कंटेंट की क्रिएशन की गेम फर्क हो गई, अब आप उसके साथ लड़ नहीं सकते कि जी 2005 में क्या था, आप हाजिर हैं, ये फैशन शोज अब आपके उस पे हो गए, अब उसकी जरूरत ही नहीं है, आपने प्यार बना दिया इस चीज को किस तरह से फैशन दिखना है हमारे को, ठीक है, exactly. नाज़रीन देख रहे हैं आप, यकीन मानिए 151 एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है और इतनी जबरदस्त बातें मनीप के साथ हो रही है, दिल की बातें जिसको कह सकते हैं, दिल से, दिल की बातें दिल से और ख्वाबों की तबील में। उन्हीं लास्ट क्वेश्चन, हाँ, आगे प्लान्स क्या है कॉपी पेस्ट के अलावा? ओके, आगे प्लान्स अपने आप के साथ सच बोलना है, ठीक है, किसी कोशिश ये है कि किसी को हर्ट ना करें, बाकी थोड़ा सा देखना भी है करना क्या है, बिकॉज़ सी वेयर व्हेन वी वेयर वी कम फ्रॉम दिस इज वेरी हार्ड फॉर अस टू डाइजेस्ट कि ये शायद, मैं उस दिन ना अभी पिछले दिनों ना टॉम फोर्ड ने वो किया है, मतलब अपने आप को खुदा हाफिज किया अपने ब्रांड को, सो उसका मैं इंटरव्यू पढ़ा था, इट वाज अ वेरी हार्ट फेल्ट इंटरव्यू एंड वेरी नाइसली रिटन इंटरव्यू, मैं शेरू बैठ के हम लोग उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि वो इंटरव्यू में उसने, सी फैशन एक एक टाइम की बात होती है, ब्रांड की एक सर्टन टाइम होता है, एक डिजाइनर का एक सर्टन टाइम होता है, आपको 10 साल मिल जाए बड़ी बात होती है, वो अरूज और ज़वाल की कहानी है, तो उसके अंदर ना आपको एक्सेप्ट भी करना होता है, देखना भी होता है और अपने आप को रिफ्रेश भी करना होता है। सो अब मैं इस सोच से खेल रहा हूँ कि मैं अपने आप को रिफ्रेश कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप की सोच को मतलब ये आज के कल्चर को लेके अपने आप से कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, ठीक है, अपने आप को भी जिंदा रखो और अपने आप को हाजिर वक्त भी रखो, सो वो एक, और उसका पर्पस जो है वो अच्छा हो, वो ये ना हो कि जी मैं डर के ना कर रहा हूँ, ठीक है, सो इट्स विदाउट फियर, हाँ, मतलब जैसे अभी अल्लाह का शुक्र है हमने 2-3 बड़े मजेदार प्रोजेक्ट्स किए, आतिफ असलम के 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं हम लोगों ने, क्रिकेट के साथ बाबर आजम के साथ हमने प्रोजेक्ट किए, हम लोग ये काम हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है बड़ा रेलेवेंट चल रहा है, मेरे लोगों के साथ एसोसिएशंस बन रही हैं, ब्रांड का कॉन्टेंट है, पॉडकास्ट बन रहे हैं, हम लोग अपने कॉन्टेंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, दिमाग पे काम कर रहे हैं, दिल पे काम कर रहे हैं, उस पर हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, सो अभी फिल्म आ रही है हमारी ईद पे, उसके मैंने स्टाइलिंग की हुई है, दगाबाज दिल उसकी कल से प्रमोशन शुरू हो रही है, वो आप होपफुली यू बी एबल टू सी, मैं भी शायद है उसके अंदर, अली रहमान है उसके अंदर, सलीम शेख साहब है उसके अंदर, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है, वजात रऊफ ने डायरेक्ट किया हुआ है, मतलब और उसको इट्स अ हैप्पी थिंग, देन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिंग दैट आई हैव डन, तो वो भी शौक पूरे होना शुरू हो गए हैं, सो आई थिंक अच्छी चीजें हो रही हैं, चलिए लेट्स सी, उम्मीद है बाहर रख के सुबह हो ही जाएगी, जान दियो इस बात के ऊपर, मेरे एक दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो मैं उस पर खत्म करते हैं कि यार तू आजाद हो जाओ, नहीं नहीं आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ तू, मुझे ये लगता है कि आप पुरानी सोचों से, आने वाली सोचों से अपने आप को थोड़ी देर आजाद तो करके रहो,
जी नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के इस एपिसोड में बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त आज आपको सुनने को इंटरव्यू मिला होगा मुनीब नवाज़ का। हमारे दोनों की सोच अब भी उसी जगह पर है, यानी कि हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, एग्री करते हैं, एग्री भी करते हैं, ठीक है कि इंशाल्लाह। और वाकई मैं बात आपको ये बताऊँ और कि भी मुनीब उन लोगों में से नहीं है कि भी कॉपी पेस्ट जिसकी बात हो रही थी। मुनीब के जितने डिज़ाइंस हैं पर्सनली मैंने देखा है, इनके साथ शो भी किया है दुबई में भी, इनकी अपनी 100% अपनी क्रिएटिविटी है इनकी। इससे मैंने बात की थी फ़िलासफ़ी की, इनकी फ़िलासफ़ी क्या है उन्होंने बता भी दी है। उम्मीद है, मैं यही उम्मीद है मुनीब कि आप इस इंशाल्लाह इसी तरह हंसते मुस्कुराते यूँ ही पहले से पीछे की तरफ बैग है आपने तो नई से नई चीज़ें लाते रहेंगे। और लास्ट पर अगर कोई मैसेज आप एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से फैशन लवर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कुछ देना चाहें तो प्लीज़। जो भी ये देख रहा है सबसे पहले तो आई वुड से कि अपने आप के साथ पहले 5 मिनट गुजार के ना देख लें कि आप कौन है, और अपनी एक ऑथेंटिसिटी के साथ, अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप ये काम करेंगे ना तो आई टेल यू, यू विल नॉट ओनली बी सक्सेसफुल, यू विल ऑल्सो बी कंटेंट। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ सक्सेस के साथ साथ ना ये भी है कि मैं घर जाके सोता कैसे हूँ, मैं घर जाके फील क्या करता हूँ करती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल टाइम्स एंड देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द प्रॉब्लम। आई वुड से कि इफ़ यू कैन टेक आउट सम टाइम अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ वॉट द पॉसिबल सोल्यूशन इज एंड हाउ यू कैन फील द सोल्यूशन, तो फिर उसको अपने ऊपर हावी होने दें, बिकॉज सक्सेस इज नॉट जस्ट मनी, सक्सेस इज नॉट जस्ट द एक्सटर्नल वैलिडेशन, सक्सेस इज ऑल्सो हाउ यू फील विद दैट सिचुएशन। सो इनर सैटिस्फैक्शन, यस, दिल दिल को खोलें और फिर आगे से काम शुरू करें। दिमाग से ना शुरू हो जाए कि जी बिजनेस प्लान बनाया तो शुरू हो गए, फील तो करें 2 मिनट लगा के। और मनीप से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। देखा आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त था, इस उम्मीद और यकीन के साथ मुझे इजाजत दीजिए ये सफर जारी सारी रहेगा। इंशाल्लाह हम नए सफर में नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक मुझे और पाकिस्तान के इस सपूत को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।